नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। चाहे आप कार्डिगन में डालिए, जैकेट में, कोटी में, फ्रॉक में, स्टॉल में, स्कर्ट में, किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। और डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारा पहला लाइन है। तो प्राइमरी कलर के ऊन से ही हम सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो मैंने सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। अब 11 के मल्टीपल में ही फंदे लीजिएगा, एक भी फंदा अधिक लेंगे तो डिज़ाइन सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए 11 के मल्टीपल में ही फंदे लेंगे। यहाँ पे मैंने 44 फंदे लिया है, 44 स्टिचेस। हम रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। और अब हम फिर से सभी फंदे सीधे बुनते हुए उल्टी तरफ आ जाएंगे, रॉन्ग साइड की तरफ आ जाएंगे। तो अब हम रॉन्ग साइड की तरफ हैं। अब यहाँ से हमारा मेन डिज़ाइन शुरू होता है। तो अब हम सेकेंडरी कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो अब हम राइट साइड में हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे चार फंदों से दो फंदे कर लिया। अब हम उन हमारी तरफ है, अगला फंदा हम जाली देते हुए सीधा बुन लेंगे। फिर उन अपनी ओर है, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। अब उन दूसरी तरफ है, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे, उल्टा बुन लेंगे। उन हमारी तरफ है, अगले दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो हमें इन्हीं 11 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। अब फिर हम यहाँ से पैटर्न शुरू करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो का एक करेंगे। तो यहाँ पे 8 फंदों से 4 फंदे हो गए। हमने 8 फंदों को, दो दो फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए दो का एक किया है। अब उन हमारी तरफ है, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। ये हमने एक जाली दिया, उन अपनी ओर किया जाली देते हुए सीधा, दो उन अपनी ओर किया जाली देते हुए सीधा, तीन। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों को बढ़ा दिया। यहाँ से पे हमने 8 से 4 किया था, यहाँ पे हमने 3 फंदों को बढ़ा दिया। उन अपनी उन दूसरी तरफ है, और अब हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। यानी यहाँ पे हमारा चौथा जाली बन गया। 3 जाली हमने सीधा,
बुनते हुए दिया था और चौथा जाली दो फंदों को एक साथ लेके उल्टा बुनते हुए यहाँ पे चौथा जाली पड़ गया। तो यहाँ पे हमने 8 से 4 किया था और यहाँ पे 4 फंदे बढ़ गए, यानी डिजाइन बैलेंस हो गया, फंदे हमारे बैलेंस हो गए। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1। तो इन्हीं 11 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। शुरू में भी हमने 4 फंदों से 2 फंदे किया था उल्टा बुनते हुए और लास्ट में भी देखिए 4 फंदों से 2 फंदे हो गए और हमारा डिजाइन अच्छी तरह सेट हो गया। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब हम फिर राइट साइड में हैं, एक बार फिर हम इसी लाइन को दोहराएंगे। मैं फिर से बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 2 फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए 2 का 1। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए 2 का 1। 4 से हमने 2 फंदे कर लिए। अब ऊन हमारी तरफ है, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, एक फंदा हमने बढ़ाया, ऊन अपनी ओर है, जाले देते हुए सीधा 2 फंदा बढ़ाया, ऊन अपनी ओर है, जाले देते हुए सीधा 3। अब ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगले 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाले देते हुए उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 से 2 फंदे किए और शुरुआत में भी 4 से 2 फंदे, 2 फंदे यहाँ घटे, 2 फंदे यहाँ घटे और हमने बीच में 4 जाली बना दिया, यानी डिजाइन बैलेंस हो गया। तो इन्हीं 11 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अब फिर इसी 11 फंदों को हम दोहराएंगे। 2 फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए 2 का 1, 2 फंदों को एक साथ लेंगे उल्टा बुनते हुए 2 का 1। फिर हमें 4 जाली बनाना है, 3 फंदे हम सीधा बुनते हुए जाली देंगे और चौथे जाली को हम उल्टी तरफ से देंगे, ये हमारा दूसरी तरफ है, और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का 1। तो इन्हीं 11 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने सेकेंडरी कलर के ऊन से 4 लाइन बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड से हैं और फिर अब हम प्राइमरी कलर के ऊन से 4 लाइन बुनेंगे। तो प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे उल्टा बुनेंगे फिर हम सभी फंदे सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे और फिर सीधा बुनेंगे, यानी प्राइमरी कलर के ऊन से 4 लाइन हम प्लेन बुनेंगे।
सामने की तरफ से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। फिर अगले चार लाइन बाद हम अपने सेकेंडरी कलर से पैटर्न बनाएंगे। तो 8 लाइन का ये डिज़ाइन है। एक रंग के ऊन से 4 लाइन बनाने के बाद अगला 4 लाइन हम दूसरे कलर के ऊन से बना रहे हैं, तो डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आशा है आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा है तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।